गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस किया था जेंटलमैन। आज हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जेंटलमैन हम लोग ढेर सारी रिएक्शंस पढ़ते हैं और उनकी एक प्रॉपर मैकेनिज्म होती है। प्रॉपर मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक का सफ़र। रिएक्टेंट का यूज़ हम करते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने में, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बनने तक का जो जर्नी होता है जेंटलमैन, उसमें जो भी स्टेप्स हम फॉलो करते हैं उन सभी को कलेक्टिवली हम मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन में पढ़ते हैं। मतलब मैं एक कॉमन पॉइंट लिख रहा हूं कि स्टेप्स ऑल स्टेप्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिएक्टेंट्स, या इन्हीं को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबस्ट्रेट बोल देते हैं। आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मैकेनिज्म मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। तो जेंटलमैन, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि मान लो कि आपसे किसी ने पूछा कि सब मैकेनिज्म की मीनिंग क्या है। रिएक्टेंट हमने लिया और उससे प्रोडक्ट बनना है, बॉन्ड टूटेंगे तय बात है, जो पुराने बॉन्ड होंगे वो टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। उसी रिएक्शन के दौरान कोई एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, बन सकती है। कोई इंटरमीडिएट बन सकता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन हो सकता है, कार्बोएनायन एट्सेट्रा, ये डिफरेंट टाइप की चीज़ें होंगी। तो उन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। मैकेनिज्म के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। रिएक्शंस जो होती हैं जेंटलमैन, वो दो टाइप की होती हैं। ए टाइप में क्या लिख रहा हूं कि एलिमेंट्री एलिमेंट्री को ही बोलता हूं सिंपल
और इसी को बोलेंगे सिंगल स्टेप। रिएक्शंस और जो दूसरा टाइप होता है वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स, या इसी को हम बोलते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शंस। तो जेंटलमैन आप ये बात समझें ध्यान से कि रिएक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक को हम बोलते हैं सिंपल रिएक्शन और एक को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स या मल्टी स्टेप रिएक्शन। अब हम बात करेंगे सबसे पहले एलिमेंट्री रिएक्शंस की। हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस विच टेक प्लेस इन वन स्टेप। जो भी रिएक्शंस एक ही स्टेप में होंगी उनको मैं एलिमेंट्री रिएक्शन बोलूँगा। तो अगर एक ही स्टेप में होंगी तो इनमें कोई भी इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी जेंटलमैन। नो फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट। विल अकर ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट का कोई भी फॉर्मेशन नहीं होगा जेंटलमैन। मैं आपको बता दूं कि ट्रांजिशन स्टेट जिसको आप शॉर्ट में TS बोलते हैं और इंटरमीडिएट, ये दोनों ही शॉर्ट लिविंग होते हैं। इनकी आयु इनकी उम्र बहुत कम होती है, ये तुरंत बन के ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि TS एंड इंटरमीडिएट बोथ आर शॉर्ट लिव्ड। दोनों शॉर्ट लाइफ होती है, दोनों की शॉर्ट लाइफ होती है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। एंड नेम्ड एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ऑल्सो।
ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखो मैंने एक शब्द लिखा है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो टर्म है ये आप कई जगह पढ़ेंगे, कई जगह आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि एलिमेंट्री रिएक्शंस में, तो एलिमेंट्री रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो द मॉलिकुलरिटी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स विच फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विद सफिशियंट एनर्जी। बहुत ही ध्यान से आपको एक एक बात को ध्यान रखना है कि मैं बात कर रहा हूँ एलिमेंट्री रिएक्शन की, मैं बात कर रहा हूँ सिंगल स्टेप रिएक्शंस की। जेंटलमैन आप उससे मॉलिकुलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने लिखा है द मॉलिकुलरिटी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स विच फॉर्म TS और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विद सफिशियंट एनर्जी। सफिशियंट एनर्जी के साथ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या TS, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या TS बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन आएगा दिमाग में ये कि ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन तो एलिमेंट्री रिएक्शन में होता नहीं है, लेकिन मॉलिकुलरिटी की मीनिंग यही है, जो मॉलिकुलरिटी की डेफिनेशन यही है, यही मीनिंग निकलती है कि भाई अगर हमारे पास कोई ग्राफ है ये रिएक्टेंट है और यहाँ से आप देख रहे हैं ये TS बन रहा है और ये प्रोडक्ट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि जितनी सफिशियंट एनर्जी के साथ मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, के बीच में ग्राफ होगा भाई। यहाँ पर आप अलग अलग प्रकार की बातें कर सकते हैं भाई, एक्सोथर्मिक हो सकती है, एंडोथर्मिक हो सकती है, तो ये दुनिया भर की चर्चा कर सकते हैं क्योंकि हमें मॉलिकुलरिटी के लिए एक ऐसी डेफिनेशन देनी होती है जो कि एकदम करेक्ट हो। तो भाई एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए, और अगर वो एनर्जी लेके वो मॉलिक्यूल्स गए और उन्होंने उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बना दिया उस सफिशियंट एनर्जी के साथ, तो फिर वही जो मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वही मॉलिकुलरिटी कहलाएंगे। मॉलिकुलरिटी इज अ होल नंबर, स्मॉल एन से डिनोट अगर कर दें तो स्मॉल एन वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है,
इसको हम यूनिमोलिकुलर बोलेंगे। इसको मैं बाई मॉलिकुलर बोलूंगा। इसको जेंटलमैन मैं ट्राई मॉलिकुलर बोलूंगा। और इसको टेट्रा मॉलिकुलर बोलूंगा। ध्यान ये देना है कि ये वाला जो केस है कि मॉलिकुलरिटी चार हो, ये रेयर केस है। मॉलिकुलरिटी फोर हो या फोर से ज़्यादा हो जेंटलमैन, ये रेयर केस है, क्योंकि साइमल्टेनियसली, मतलब ये बात ध्यान रखना है कि एन इज लेस देन और इक्वल्स टू थ्री इज वैलिड ऑल इन ऑलमोस्ट केसेस, इन ऑलमोस्ट केसेस, बिकॉज थ्री मैक्सिमम थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कैन कोलाइड इफेक्टिवली। सब तीन मॉलिक्यूल ही इफेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं, मतलब ये हमें ध्यान रखना है कि ये मान चलो तीन मॉलिक्यूल हैं, अलग अलग रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं ये, तो ये एक दूसरे से इफेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान ये रखना है कि प्रॉपर कोलिजन होना चाहिए। मतलब ये भी तो ध्यान रखना है ना साहब कि जो कोलिजन होना चाहिए वो प्रॉपर कोलिजन होना चाहिए, प्रॉपर कोलिजन। तो प्रॉपर कोलिजन जो होगा, इफेक्टिव जो कोलिजन होगा वो थ्री मॉलिक्यूल्स का ही होगा, इसलिए मॉलिकुलरिटी फोर का जो केस है, वो हम बहुत ही रेयर केस में पढ़ते हैं, नॉर्मली तो होता ही नहीं है। तो सिंगल स्टेप, मतलब ये बात क्लियर हो गई आपको कि मॉलिकुलरिटी जो है, कैलकुलेशन है, मॉलिकुलरिटी की जो डेफिनेशन है वो सिंगल स्टेप, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही साफ वैलिड है। जैसे मैं आपको रिएक्शंस लिख रहा हूँ, कि NH4NO2 इसको अमोनियम नाइट्राइड बोलते हैं, अगर मैं इसको हीट करूं तो N2 गैस और 2 मोल वाटर का फॉर्मेशन होता है जेंटलमैन। तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे N की वैल्यू कितनी है, 1 है। ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, ऐसे आप देखेंगे कि N2O5 है, N2O5 से NO2 मैं बना सकता हूँ 2 मोल और आधा मोल ऑक्सीजन बना सकता हूँ।
इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और ये रिएक्शन ऐसे भी लिखी हुई मिल सकती है कि भाई ये डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, तो मैं इससे N2O4 बना सकता हूँ और आधा मोल ऑक्सीजन बना सकता हूँ। N2O4 को जब हम ब्रेक करते हैं तो NO2 बनता है, और NO2 को जब हम ठंडा करते हैं तो N2O4 बनता है। मतलब ये वाला जो स्टेप है ये RF है और ये RB है, ध्यान ये देना है। मतलब यहाँ पर आप ये हीट कर रहे हैं साहब, हीटिंग, और यहाँ से यहाँ जब जाएंगे तो कूलिंग करना पड़ेगा। ये सब पी ब्लॉक में चीज़ें समझाई जाएंगी आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मॉलिकुलरिटी 1 दिख रही है आपको, यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन है, यू कैन सी दैट जेंटलमैन। ऐसे ही मैं देखूँ अगर तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहा हूँ जिसको एस्टर बोलते हैं आप, इथाइल एसीटेट, और इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ये एसिड कैटलाइज्ड होती है रिएक्शन। तो जेंटलमैन इसमें CH3COOH, दिस वन इज एसिटिक एसिड, एंड C2H5OH, दिस वन इज इथाइल एल्कोहल बनता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। एल्कोहल वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि एल्कोहल की अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराई जाए तो फ्रूटी स्मेल के वेपर्स जनरेट होते हैं जेंटलमैन, जिनके अंदर टेंडेंसी होती है कि दे हैव टेंडेंसी टू कैच द फायर, वो आग पकड़ने की टेंडेंसी को शो करते हैं और फ्रूटी स्मेल रखते हैं, और एसिड और एल्कोहल का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसको हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर बोलेंगे। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर से 2 प्रोडक्ट बनते हैं साहब, एक एसिड होता है और एक एल्कोहल होता है। एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये एल्कोहल ग्रुप। यू कैन सी दैट कि अगर मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप की टेस्ट की बात करूं लैब में, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुआ जेंटलमैन C2OH, और एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, हाइड्रोक्सी कंपाउंड है OH हुआ। तो ये दोनों का टेस्ट है, ये फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट है। हम दोनों के लिए ये कर सकते हैं कि हम एस्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि गिवन कंपाउंड में OH प्रेजेंट है या C2OH प्रेजेंट है। तो हम इस तरह से मॉलिकुलरिटी को बता सकते हैं कि भाई यूनिमॉलिकुलर है या बाई मॉलिकुलर है या ट्राई मॉलिकुलर है। जैसे मान चलो कि मैं एक रिएक्शन लिखूं कि Br नेगेटिव, दिस वन इज ब्रोमाइड आयन, BrO3 नेगेटिव एंड 6H+, जेंटलमैन दिस वन इज कॉल्ड ब्रोमेट आयन, एंड दिस वन इज कॉल्ड ब्रोमाइड आयन। आप देख पा रहे हैं इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, -1, और इसमें कितनी है, +5। तो इससे 3 मोल ब्रोमीन बनता है और 3 मोल वाटर। यू कैन सी दैट इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 0 है। तो 2 ऑक्सीडेशन नंबर 1 ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रही है, तो इसको हम कम प्रोपोर्शियोनेशन बोलते हैं जेंटलमैन। क्या बोलते हैं, कम प्रोपोर्शियोनेशन, ध्यान ये रखना है। तो ये रिडॉक्स का एग्जाम्पल हुआ जेंटलमैन,
ये रिडॉक्स का एग्जांपल हुआ। अब यहाँ पर आप देखो ब्रोमीन को अगर बैलेंस करोगे तो ये यहाँ 5 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 5 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, 6 नेगेटिव, 6 पॉजिटिव, तो चार्ज भी बैलेंस हो गया। देखो नेगेटिव चार्ज रिडॉक्स है ना, बैलेंस तो देखना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू पॉजिटिव चार्ज हो गया, है ना। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 5 और 1 6 और 6 12 टोटल मॉलिक्यूल्स। तो टोटल मॉलिक्यूल्स 12 हैं। तो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया कि साहब 12 मॉलिक्यूल्स तो एक साथ नहीं टकराने वाले कभी भी, प्रॉपरली केवल 3 मॉलिक्यूल ही टकरा करके फॉर्मेशन कर सकते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का सफिशियंट एनर्जी के साथ और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो तय बात है कि रिएक्शन नंबर जो 4 है उसके लिए हमारे पास 2 आंसर हैं, 2 एक रिजल्ट निकल के आए कि ये एक तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है साहब, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए मॉलिकुलरिटी 12 नहीं हो सकती, या मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए मॉलिकुलरिटी को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हम चर्चा कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, मतलब आपको ढेर सारी रिएक्शंस ऐसी होंगे। कई बार स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर हाउ वी कैन अंडरस्टूड सिंगल स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सो जेंटलमैन, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, यू कैन अंडरस्टूड द एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ मॉलिकुलरिटी और द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टेप्स विच बिलोंग टू द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। आप चेक कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि 3 मॉलिक्यूल्स, अगर आपको कोई रिएक्शन ऐसी दी जा रही है जिसमें 3 मॉलिक्यूल से ज़्यादा हैं, 4 से ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं, तो आप समझ जाइएगा कि डेफिनेटली वो रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगी, वो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। कई बार ऐसे भी केसेस आते हैं कुछ कि मुझे वो रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन दिखती है और मैं उसे एलिमेंट्री समझता हूँ लेकिन वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाती है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब कह सकते हैं कि टेक्स प्लेस इन मल्टी स्टेप मल्टी स्टेप्स का मतलब होता है 2 or more than 2 steps मॉलिकुलरिटी हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिकुलरिटी कोई मीनिंग नहीं होती है। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, मतलब इस तरह से आपको कर्व दिखेंगे,
इस तरह के कर्व आपको देखेंगे तो समझ जाना कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये क्या बन रही है, ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही है TS1 एंड TS2। तो ये आपको ध्यान देना है कि इंटरमीडिएट और TS फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, मॉलिकुलरिटी की बात नहीं होगी, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मान चलो कि ACP कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स नेचर की है, लेट अस एज्यूम दैट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें मान चलो कि ACB जो है एक स्टेप है, ये बी से पी जो है वो सेकेंड स्टेप है, स्टेप वन जो है वो मान लो स्लो है, और स्टेप टू जो है वो फास्ट है। तो जेंटलमैन ये दोनों स्टेप तो एलिमेंट्री हो गए ना, तो ये दोनों स्टेप एलिमेंट्री हो गए, और मैं आपको बता चुका हूँ कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आप मॉलिकुलरिटी की बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि जो स्लो स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। मैं लिख रहा हूँ अगला पॉइंट, स्लो स्टेप विल बी RDS, स्लो स्टेप विल बी RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और मैं ये कह सकता हूँ कि RDS कैन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यू कैन सी दैट जेंटलमैन के मतलब RDS का बड़ा महत्व है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जब हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो स्लो स्टेप होगा वो RDS होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वही मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन देगा। मतलब जैसे मैंने अभी एक रिएक्शन जो लिखी थी उसके लिए R=K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BrO3 नेगेटिव, इस तरह से ये एक एक्सपेरिमेंटल रेट दिया गया है, ये एक्सपेरिमेंटल रेट है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव हैं, ये तय बात है स्लो स्टेप से बनाया गया होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऑर्डर कितना दिख रहा है, 1+1+2 4 हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मॉलिक्यूलरिटी 4 हो सकती है। मैंने बोला ना कि रेयर केस में मॉलिक्यूलरिटी को 4 बोला जा सकता है, लेकिन नॉर्मल केस में जो मॉलिकुलरिटी होती है इफेक्टिवली वो 3 या 3 से कम होती है।
तो ये दो प्रकार की रिएक्शंस हैं जो मैंने आपको बताई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की चर्चा हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे। मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको कंपेयर करना भी आना चाहिए उन्हें और उनके क्वेश्चंस भी लगाने आने चाहिए। तो इसको अभी आप मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को यहाँ तक आप कंप्लीट करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे।